टू आज अमित कुमार का शो है। अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ, कुकिंग के बाद लंच करेंगे, ऑब्वियसली नहाएंगे लंच करेंगे, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे और जल्दी जल्दी आपको लेके जाएंगे अमित कुमार के शो के पास। सो टुडे आई एम कुकिंग बैंगन का सब्जी। मम्मी नहीं है, मम्मी डॉक्टर के पास गई है, उनका ऑस्टियोआर्थराइटिस का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो थेरेपी लेने गई है, तो आज कुकिंग का पूरा दारोमदार मेरे ऊपर है। तो बेसिकली ये बंगाली में इसको बोलते हैं शोरशे बाटा दिए बेगुने झाल। इसमें जाएगा ये मस्टर्ड, तो ये जा रहा इसमें मस्टर्ड। इसको अच्छी तरीके से अब पकाना पड़ेगा। सरसों इसमें डाल दिया है, अब ये अच्छे से पकेगा। इसको बॉयल होने तक अच्छे से पकाएंगे। होप मम्मी ने जैसा कहा था वैसा मैं कर पाऊं, आई हैव नो क्लू। इसको अभी ढक देते हैं, फ्लेम को मीडियम कर देते हैं एंड नाउ लेट्स वेट। वैसे मम्मी ने जैसे कहा था वैसे तो बिल्कुल नहीं हुआ है। मम्मी जी माफ करना, गलती मारी से हो गई। वाओ आई एम सो बेसुरा, खाना पकाना भी नहीं आता, गाना गाना भी नहीं आता है। मम्मी जी माफ करना, गलती मारी से हो गई। तो जब तक बैंगन पक रहा है तब तक मैं इस ड्रेस को आयरन कर लेती हूँ। यस दिस इज द ड्रेस आई एम गोना वेयर टुनाइट। वेल आज अमित इवनिंग है तो अमित इवनिंग के लिए ऑब्वियसली एक गॉर्जियस सा गाउन तो चाहिए ही। और ये बन चुका है हमारा बैंगन का सब्जी। आई होप कि मम्मी जैसे करती है वैसा ही टेस्ट हुआ है, भले ही देखने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट आई होप इट वुड बी टेस्टी एटलीस्ट। रिएक्शन टाइम। কি কম বেশি হয়েছে বলে দাও। একটু নুন হতো নাহলে ভালো হয়ে যেত, বেশ ভালো হয়েছে। বেগুনের ঝাল এর থেকে ভালো আর হয় না। সর্ষে বাটা দিয়ে বেগুনের ঝাল, বিট্টু বাবু মিশন অ্যাকমপ্লিশড। মাম্মি রেডি হো রহি হ্যায়, মে রেডি হো চুকি হু, টুডে আই এম ফার্স্ট, মাম্মি ইজ লেট। मम्मी हमेशा बोलती है मैं हमेशा लेट करती हूँ, आज मम्मी लेट है। ही हा 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 हा। This is she is very कुमार जी का गाना सुनने जा रही हूँ। बाबा गाना सुनने जा रही हूँ। झंपर 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 झंपर। अमित कुमार जी माने ही बस झिक झक झिक झक झिक झक। मैं हो गई हूँ रेडी एंड दिस इज माई ड्रेस, जो कि आपको शॉर्ट्स में भी देखने को मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सी द शॉर्ट्स एज वेल एंड वी आर रेडी टू गो।
কুমার এন্টালি সৈতিক সম্ভবতে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সংঘ সভাপতি আমাদের সুভাষ রাখমাসে আছেন উনি আপনাকে স্বাগত জানাবেন বক্তব্য পড়িয়ে দেবেন পুষ্পস্তবক দেবেন এবং আমাদের সঙ্গে পক্ষ থেকে একটি স্মারক আপনার হাতে তুলে দেওয়া হবে শিল্পী এবং আমাদের ঘরের মানুষ আপনজন শারদীয় উৎসবে আপনাদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা বড়কে বড়দের প্রণাম আর ছোটদের আমার আশীর্বাদ বড়কে প্রণাম ছোটকে মেরা আশীর্বাদ এই দেখে আমার এই চৌরাস্তা দেখে সেই সময় মনে পড়ছে যখন আমি আরম্ভ করেছিলাম 1971 সম্পাদক রাজীব রায়চৌধুরী আপনাকে স্বাগত দিচ্ছেন বড় তালে প্লিজ
Thank you.
वेलकम। अभी बज रहा है घड़ी में 10:15 काइंड ऑफ। हाँ 9:55 तक प्रोग्राम खत्म हो चुका था, आज जल्दी खत्म हो गया। कल 11 बजे तक चला था पर आज जल्दी खत्म हो गया है। 3 दिन का फंक्शन ओवर। पहला दिन हमने मिस कर दिया, लास्ट 2 दिन इट वॉज सुपर। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, मैंने ऐसे लाइव प्रोग्राम जिंदगी में मैं पहली बार देख रही हूँ। अमित कुमार का तो मैंने पहली बार देखा जिंदगी में, मैंने पहले कभी भी इतने बड़े आर्टिस्ट का प्रोग्राम लाइव नहीं देखा था। सो इट वॉज लाइक एन लाइक इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर मी। मतलब मेरे एकदम घर के सामने अमित कुमार ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो शाम बहुत 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 अच्छा गया एंड नाउ मेकअप उठा के डिनर करके सो जाएंगे। मम्मा मम्मी ने कपड़ा बदल लिया तो मम्मी इज नॉट गोना शेयर। पहले तो मेरा एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर करो कि करे। मम्मी ने कपड़ा चेंज कर लिया पर फिर भी मैंने कैमरा पे उसको खींच के लाया है लाई हूँ। सॉरी कभी कभी मेरा मतलब गड़बड़ हो जाता है। तो आपने कभी अमित कुमार का शो ऐसे लाइव परफॉर्म देखा है? नहीं, कभी लाइव शो अमित कुमार को नहीं देखा। बहुत बड़ा बड़ा आर्टिस्ट को देखा, अमित कुमार जी को सामने से नहीं देखा। ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। हाँ, और सामने से देख के उनका गाना सुन के मन भर गया। और कहाँ से उड़ के इधर आके, इतना उम्र हो गया करीबन 70 तो लगभग होगा, लेकिन कितना गलक का आवाज सुंदर है, जोश है, कितना परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा। सब आदमी से तो हाथ तली दिया एकदम। बिल्कुल पूरा मुंबई से एकदम उड़कर हमारे लिए परफॉर्म किया। और गाना का बीच बीच में ना वो स्टोरी बता रहे थे, जे जब कोई गाना किशोर जी चुनते थे तो पहले अमित जी को कहते हैं तुम गा लो, तो अमित जी गा लेते थे तो उसको रिकॉर्डिंग करके रख देते थे। बाद में किशोर जी गाते थे लेकिन उसका रिकॉर्ड भी है। और कलकत्ता में कहाँ पे रहते थे, वहाँ पे वहाँ से किधर किधर घूमने जाते थे, बहुत कहाँ का शो करते थे, बहुत स्टोरी बताया। ये हमको बहुत अच्छा लगा जी, कितना पुराना बात 1978 को सब जो पिताजी को साथ उन्होंने बिताया तो उस सब टाइम का सब स्टोरी बता रहे थे। और अच्छा लगा सुन के, बहुत खुश हुआ। जो किशोर कुमार जी का तो एक है। हाँ, हमारे इंडिया में किशोर कुमार बस। हाँ, और उनके बाद अमित कुमार बस। अरे गलत है, एकदम किशोर जी लगते थे, नहीं दूसरे किसी को नहीं लगते थे, इतना एकदम एक ही आवाज लगते थे। आखिर बेटा लगा, हाँ किशोर जी का आवाज ही लगा। हमको मन ये करते नहीं जी किशोर जी नहीं गा रहा है, अमित कुमार गा रहा है। एकदम पापा के जैसा गला मिला, ऐसा ही ऐसा ऐसा करके मंच पे वो गाया नचा, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला। सबको हमारी तरफ से हैप्पी दुर्गा पूजा, शुभ शारदीय पूजो, खूब खूब भालो काटुक, आनंदे काटुक। 5 दिन सबाई भीषण आनंद करो। बछरे 5 दिन बांगालीदের একটা দুর্গোৎসব, ভীষণ সুন্দর। 5 দিন কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতে পারি না। সবাই খুব সুস্থ থাকুক, আনন্দে থাকুক, আর সারা 365 দিনের এই 5টা দিন আনন্দকে ছেঁকে তুলে নিই, যে 300 দিন একদম দারুণ কাটবে, 360 দিন দারুণ কাটবে। বাই, ফির মিলেঙ্গে আর এক দূসরে ব্লগ কে সাথ। তব তক কে লিয়ে বহুত খুশ রহিয়ে, হ্যাপি রহিয়ে, হ্যাপি দুর্গা পূজা, এন্ড টেক কেয়ার। দুর্গা পূজা, টাটা।